मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से सैनी स्कूल बीजापुर आपका सहर्ष स्वागत करता है। हम हिंदी भाषा के हिंदी विषय के अंतर्गत वर्णमाला का अध्ययन किया, स्वर व्यंजन, उसके साथ साथ हिंदी भाषा आपको पढ़ने में और जो है बोलने में आसानी हो, इसीलिए 12 कड़ी का पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 कड़ी, इससे आपको पढ़ने में जो है आसानी होती है, हिंदी में रुचि जो है पैदा होती है। इसीलिए पिछले वीडियो में हमने 12 कड़ी के अंतर्गत क वर्ग यानि उसमें क ख ग ग निय ऐसे वर्ण आते हैं, एक समूह है, उसका हमने अध्ययन किया। उनकी मात्राएं, जैसे स्वरों की मात्राएं किस प्रकार होती है, यह 12 कड़ी में आपको स्व स्वर वाचन किया हमने। उसके साथ साथ क वर्ग के साथ च वर्ग का भी हमने अध्ययन किया, जिसमें च वर्ग में वर्ण है च, छ, ज, ज, या। ये जो वर्ण है उसका हमने 12 कड़ी देखा। आज हम उसी प्रकार, मैं आशा करता हूं कि आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, अपने हिंदी को एक नया नोटबुक बनाकर उसमें यह 12 कड़ी लिखना है। जितना आप लिखते जाएंगे 12 कड़ी, उतना आपको पढ़ने में जो है हिंदी भाषा पढ़ने में उतनी ही आसानी हो जाएगी। उसके साथ साथ आज हम 12 कड़ी के ट वर्ग, यहाँ एक वर्ण का समूह होता है, तो ट वर्ग में पहला वर्ण है ट, दूसरा है ठ। देखिए, अल्प प्राण महाप्राण जो व्यंजन में होता है प्रकार, ड, ढ, न, इस प्रकार जो है आज इसके हम 12 कड़ी यानी ट वर्ग की 12 कड़ी को देखेंगे। परीक्षाओं में ट वर्ग की 12 कड़ी लिखने कहा गया तो ट, ठ, ढ, ढ, न ऐसे आपको इन पूरे वर्णों की आपको 12 कड़ी लिखनी पड़ती है। यदि ट वर्ण का 12 कड़ी लिखो यानी केवल इस वर्ग का उतना ही आपको लिखना होगा। तो चलिए हम ट वर्ग की 12 कड़ी देखेंगे, इस प्रकार है। आप सभी ध्यानपूर्वक इसे सुनिए और आप भी मन ही मन गुनगुनाइए। पहला है ट, अ की मात्रा ट, आ की मात्रा टा, से टा, आ की मात्रा है, देखिए। उसी प्रकार ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा टी, ई जो है उसमें आ जाता है टी, आगे बड़ी ई की मात्रा टी। देखिए अंग्रेजी में टी यानी जो आप चाय पीते हैं उसे कहते हैं, यहां पर बड़ी ई की मात्रा टी हो जाती है। आगे देखिए, छोटी ऊ की मात्रा टू, बड़ी ऊ की मात्रा टू। उसी प्रकार आगे देखेंगे, री की मात्रा ट्री, आगे देखिए ए की मात्रा टे, उच्चारण ठीक से करिए, टे, ट को इस प्रकार लिखा जाता है, ऊपर ए की मात्रा देने पर ये हो जाता है टे। उसी प्रकार आई की मात्रा टाई, ओ की मात्रा टो, टोकरी ऐसे लिखते हैं कि नहीं आप, टो, ओ की मात्रा टो। उसी प्रकार औ की मात्रा, औ की मात्रा यहां पर मिलाने के बाद इसमें व्यंजन जो ट वर्ण है वह क्या हो जाता है, टौ। उसी प्रकार अम की मात्रा लगाने से यह हो जाता है टम, टम। उसी प्रकार आगे देखेंगे, अम की मात्रा टहा की मात्रा
यानी अह, अह की मात्रा है टम, ऐसे हो जाता है। ये था ट वर्ण का जो है यह 12 कड़ी थी। ट वर्ण का देखिए पूरा यहाँ पर पूरा जो है आप देख सकते हैं, ट टा टी टी टू टू ट्रू टे टई टो टऊ टम टहा, इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं। आगे है ट के बाद, ये था अल्पप्राण। देखिए एक बार आप लिख लीजिए इसे, हाँ तो इसे आप ठीक से लिखने के बाद हम अभी अल्प प्राण के बाद महाप्राण की ओर बढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर ठ, मैंने ये जो है पूरा जो 12 कड़ी लिखा है आपके लिए, इसका देखिए महाप्राण श्वास वायु लेते समय जो है यहाँ पर फूल जाती है, ज्यादा समय लेता है, उसे हम जो है महाप्राण कहते हैं व्यंजन में। देखिए ठ, इसका उच्चारण होता है ठ, अ की मात्रा मिलकर ठ बन गया। उसी प्रकार आ की मात्रा ठा, उसी प्रकार छोटी ई की मात्रा ठी, उसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा ठी, और छोटी ऊ की मात्रा ठू, बड़ी ऊ की मात्रा क्या हो जाता है ठू। देखिए यहां पर ठू। उसी प्रकार री की मात्रा क्या होती है ट्री, ट्री। देखिए जो है ठ जो है अल्प महाप्राण है, इसे ठ इस प्रकार कहते हैं। किस प्रकार अक्षर का गठन है देख लीजिए, जो स्ट्रक्चर कहते हैं, ए की मात्रा ठे, उसी प्रकार ऐ की मात्रा थाई, आगे है ओ की मात्रा ठो और औ की मात्रा ठाऊ, आगे है अम की मात्रा ठम और आगे है ठहा, यहां पर नहीं लिखा गया है ठ ठम ठहा, जो है 2 बिंदु आगे लगाया जाते हैं। आपको यहां पर जो बिंदु है जो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे लगाकर आपको यहाँ भी ठम ठहा, तो इस प्रकार जो है यह महाप्राण का जो है ट का महाप्राण है ठ, इसकी 12 कड़ी देखा आपने। एक बार इसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, कहते हुए लिख लीजिए, ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठ्रू ठे ठई ठो ठौ ठम ठा, इस प्रकार आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो हमने अब ट देखा, ठ का 12 कड़ी देखा वर्णों का। अब आगे अगला वर्ण देखेंगे ट वर्ग से, आपने लिख लिया होगा ऐसे समझता हूं। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला वर्ण है ड, ड से ढक्कन डमरू ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो हम अभी ड का जो है उसका हम क्या करेंगे, अभी अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए यहां पर ड, अ की मात्रा ड, आ की मात्रा डा, ये अल्प प्राण है, इसमें ज्यादा श्वास वायु फुलाने की जरूरत नहीं है। ई छोटी ई की मात्रा डी, बड़ी ई की मात्रा डी, उसी प्रकार छोटी ऊ की मात्रा डू, बड़ी ऊ की मात्रा डू, उसी प्रकार री की मात्रा ड्री और ए की मात्रा डे और ऐ की मात्रा डाई और ओ की मात्रा डो। इसका अक्षर का गठन देख लीजिए, पहले औ की मात्रा डाउ और अम की मात्रा डम
और आह की मात्रा ढम ढम ढहा। इस प्रकार ड को किस तरह लिखते हैं, देखिए ऐसे देकर ऐसे सांप की जैसे ऐसे आपको लिखना होता है ड, ठीक है। इस प्रकार हमने ड वर्ण का 12 कड़ी देखा। फिर से मैं आप लिख लीजिए, मैं एक बार ऐसे ही इसका उच्चारण करता हूं, ड डा डी डी डू डू ड्रू डे डाई डो डौ डम डहा। ये था अल्पपान ड। अभी इसके आगे हम क्या करेंगे, अभी ट वर्ग में से ट वर्ग का अगला अक्षर है इसका महाप्राण ढ। देखिए ढ को पहले कैसे लिखते हैं, पहले यहां पर आपको ऐसे लेकर ऐसे लिखकर यहां पर आपको ऐसी रेखा खींचनी होती है, तो ये है ड। ड का हम अभी इसका 12 कड़ी देखेंगे। अ की मात्रा ढ, ये देखिए महाप्राण है, श्वास वायु खुल जाती है, ज्यादा समय लेता है। आ की मात्रा ढा, ई की मात्रा ढी, बड़ी ई की मात्रा ढी और छोटी ऊ की मात्रा ढू, बड़ी ऊ की मात्रा ढू और री की मात्रा ढ्री और ए की मात्रा ढे, आई की मात्रा ढई, ढो की मात्रा ढो, ओ की मात्रा ढो और औ की मात्रा ढौ, अम की मात्रा ढम, आहा की मात्रा ढहा, डम ढहा। इस प्रकार जो है जो ट वर्ग के अंतर्गत चौथा वर्ण है ढ, जो महाप्राण है, इसको इस तरह लिखा जाता है। आप एक बार देखकर इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो एक बार फिर से मैं इसका एक साथ जो है 12 करी का उच्चारण करूंगा, ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढृ ढे ढई ढो ढौ ढम ढहा। इस तरह जो है आपको इसे उच्चारित करना है, तो इसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और सही उच्चारण कीजिए, बार बार इसे लिखते रहिए ताकि आपको हिंदी पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अगला वर्ण है जो आपके लिए गृह कार्य है, अगला वर्ण है न। अगला वर्ण है न, जैसे न ना नी नी नू नू ने नई नो ने नई नो नौ नम नहा। इसे आपको देखिए, हमने 12 कड़ी देखी ट वर्ग की, उसके साथ साथ न का आपका भी जो है, आप भी एक बार इसे जो है न वर्ग को लिख कर रखना है, जैसे न ना नी नी ऐसे लिखकर आपको गृह कार्य के लिए आप लिखकर रखना है। देखिए ज़्यादातर जो है हिंदी दक्षिण भारतीय लोगों को अहिंदी क्षेत्र माना जाता है और ज़्यादातर बच्चे पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक हिंदी का अध्ययन भी नहीं किया होता है, इसीलिए उनको भी हिंदी में रुचि आए और यह हिंदी भाषा को समझ में आए, इसीलिए जो है हम वर्णमाला से जो उनको जो नींव है उसे हम पढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। तो आपको इससे जो है एक बार इसे बार बार प्रयास कीजिए, जो हिंदी में थोड़ा बहुत रुचि रखने वाले, और उसके साथ साथ हिंदी एक सुलभ भाषा है, सरल भाषा है, आप इस वर्णों का 12 कड़ी लिखने से, वर्णमाला याद रखने से आपको पढ़ने में और बोलने में जो है आसानी हो जाती है। तो आज हमने ट वर्ग जैसे ठ ठ ड ढ न इसकी 12 कड़ी का विस्तृत अध्ययन किया। आपको इसे जो है यहाँ पर वीडियो को बीच में आप पॉज कर इस 12 कड़ी को आपके नोटबुक में लिखिए, उसके साथ साथ
आपके लिए गृह कार्य है न की बारह कड़ी के साथ साथ जो अन्य चार अक्षर हैं, जो चार वर्ण हैं, उनके भी आपको तीन तीन बार बारह कड़ी लिखकर आपके गृह कार्य के रूप में आपके नोटबुक में लिखिए। तो इस प्रकार आज हमने बारह कड़ी के अंतर्गत ट वर्ग का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका उच्चारण और लिखने का जो सही अक्षर का ढंग है वह समझ में आया, ऐसे मैं समझता हूँ। अगले वीडियो में हम अगले वर्ग का जो है बारह कड़ी का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारे स्कूल में प्रवेश करें और हमारे यहाँ जो वातावरण है उसका आनंद उठाएं। धन्यवाद।